दिल दहला देने वाली घटना। पिता को फोन कर मेरी मृत्यु पर मां से ना रोने को कह बेटे ने की आत्महत्या। सोलापुर जिला तालुका मोहड़ के भोपले गांव के रहने वाले नामदेव लंगर अपने परिवार के साथ पुणे शहर में अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन लॉकडाउन से उनकी नौकरी चली गई और वो दोबारा अपने गांव आकर बस गए। लॉकडाउन खत्म होते ही दोबारा पत्नी और बच्चे पुणे शहर जाने की बात करते और 16 साल का बेटा सिद्धार्थ तो स्कूल जाने की जिद किया करता था, लेकिन आर्थिक हालात नामदेव लंगर का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को गांव के स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ये बात 16 साल सिद्धार्थ को शायद बुरी लगी होगी, इसलिए उसने अपने पिता को फोन कर मेरी मृत्यु के बाद मां से कहना कि ना रोए और फोन कट कर अपने आप को फांसी लगा ली। इस घटना से लंगर परिवार और पूरे गाँव में काफी गम छाया हुआ है।